अरे खड़ा लेने का तू रंडवे बेस का नहीं हूँ, कीड़े पड़ मरेंगे उजाड़ने वाले को, कीड़े पड़ेंगे। रंडवे की सरकार है, रंडवे की। गरीबों के जो आसियाने थे, जो घर थे, उनको उजाड़ा जा रहा है। पिछले 100 साल से रह रहे हैं, इनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। बरसात का मौसम है, आप खुद देख लीजिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कितने परेशान हैं। लिखा है कि इस दीवार को तोड़ना गैर कानूनी है, लेकिन प्रशासन इसको तोड़ रहा है। जहर देखा, मार दो गोलियों से, मार दो गरीब आदमी को, फिर ऐसे नहीं मारो तो मौत, ऐसे नहीं मारो भूखे प्यासे इनको। सीवर के भी पैसे मांगते हैं, पास करवाई के पैसे मांगते हैं, है? ये सरकार ने क्या किया? नमस्कार, मैं रविंदर सरपंच और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। और समय हम मौजूद है सीएम सिटी करनाल के अंदर मौजूद है, जहां पर पहले DTPRS भाट का पीला पंजा चलता है, जिसके बाद दहशत का माहौल पैदा होता है। और अब गरीबों के जो आसियाने थे, जो घर थे, उनको उजाड़ा जा रहा है। और यहां पर जो लोग हम उनसे बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, काफ़ी बड़ी ये वाल्मीकि बस्ती है, जहाँ पर अब प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत जरूर करेंगे। नमस्कार सर। गरीब आदमी। नमस्कार जी सर, आपका क्या? मैं प्रोफेसर राजेश वैद हूँ जी, पूर्व सदस्य हरियाणा लोक सेवा आयोग। तो 100 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं जी, तो अब प्रशासन जागा है, तो क्या कहना चाहोगे, क्यों जागा है? देखिए, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि गरीबों के घर उजाड़ना बंद करे। जो दलित समाज है वो इतना ताकतवर समाज है कि आप हमें छेड़े मत, ये तत्काल कार्य बंद किया जाए। आप देखिए पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है। दिन दिहाड़े जिनके ऊपर हमारी सुरक्षा का भार है, उनको गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाता है दबंगों द्वारा। और जहां पर दलित समाज के गरीब लोग जहां पर रह रहे हैं, पिछले 100 साल से रह रहे हैं, इनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। बरसात का मौसम है, आप खुद देख लीजिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कितने परेशान हैं। कहाँ जाएंगे वो छोटे छोटे बच्चे, जो मतलब बरसात का मौसम भी चला हुआ है काफी, मतलब आज भी बरसात चली थी और बरसात में ही ये घर तोड़ने चल दिए। ये तो आप सरकार के उन नुमाइंदों से पूछो जो कि समय अपने ड्राइंग रूम में बैठकर इस तरह के डिसीजन दे रहे हैं, जिन्होंने अफसर शाही को बेलगाम छोड़ दिया है। जो गरीब लोग हैं, क्या उनके पास कोई रास्ता है? जो मतलब सेक्टर 16 में बता रहे हैं घर बना दिया है, लेकिन उसमें कोई फैसिलिटी नहीं पूरी तरह, वो बने भी नहीं बता रहे। देखिए, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, ये कह रहे हैं कि इसके भी उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। अच्छा। और एक कमरा है जी। अब ये काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर परिवार है, माँ बाप है, बच्चे आगे शादी हो चुकी है उनकी। हाँ, सभी आईडी यही की है, जो सभी आईडी सारे डॉक्यूमेंट्स यही से बने हैं। और परिवार रह रहा है बड़े बड़े, तो एक कमरे में कैसे रहेंगे? जी बिल्कुल, ज्वाइंट फैमिली यहाँ पर है। तो मेरी प्रार्थना है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मोदी से, कि वो इस कृत्य को तत्काल बंद करें। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ये नीले कलर का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पे लिखा है कि इस दीवार को तोड़ना गैर कानूनी है, लेकिन प्रशासन इसको तोड़ रहा है, उसको लेके क्या कहोगे आप? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से समाज के लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। और आज इसी प्रूफ हमारे बीच में चौधरी जो हमारे प्रभारी है करनाल जिला के, वो भी आए हुए हैं और हम इसी की कड़ी निंदा करने के आए हुए हैं कि भैया तत्काल बंद किया जाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जो ये पंजा चला हुआ है। जी हाँ, प्रशासन का जो पीला पंजा यहाँ पर गरीबों की गर्दन पर, बोलेंगे कि गरीबों की गर्दन पर चल रहा है, उनके आसियानों पर चल रहा है। तो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तमाम पार्टियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं और प्रशासन से गुहार लगाती है, अपील करती है कि इसको तत्काल रोका जाए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने कोई रास्ता नहीं है कि वो कहाँ पर जाए। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत जरूर करेंगे। रुक गया है पंजा, वो ये चल रहा है, बीबी चल रहा है पंजा उधर। 68 घर बता रहे हैं, 68 घर तोड़े जाएंगे वो। अरे तो सारे को तोड़ेंगे जी, सब नहीं तोड़ेंगे ये। तो कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ? यहाँ तो 100 साल हो गए जी रत्या ने। अच्छा। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ रह के चले गए, मर भी गए हैं, मर भी गए बेचारे हैं, 100-100 साल के होकर मर गए यहीं पे। गरीब आदमी को मार दो, जहर देखा मार दो गोलियों से, मार दो गरीब आदमी को, फिर ऐसे नहीं मारो तो मौत, ऐसे नहीं मारो भूखे प्यासे इनको। बोल रहे हैं कि वहाँ पे घर बना दिया, वो बन गया है?
नहीं बने हैं, अधूरे रह रहे अभी। उनमें लैटरिन नहीं, बाथरूम नहीं, सीवर नहीं बाल उनमें चालू होया। हर चीज के तो पैसे मांगते हैं, उड़ा है सीवर के भी पैसे मांगते हैं, पास करवाई के पैसे मांगते हैं है। ये सरकार ने क्या किया गरीबों के लिए, क्या किया सरकार ने? मोदी से ये मैं पूछना चाहती हूँ, कहते हैं गरीब आदमी के बच्चे नौकरी लगेंगे, क्या वो नौकरी? गरीब का बच्चा जो पढ़ता पढ़ जाता, इतने नोट मांगते हैं। मोदी कहता था कि नोट नहीं, कोई पैसा नहीं लेगा, गरीबों के बच्चों को नौकरी को, गरीबों के बच्चे से कोई पैसा लेता, पैसे लेते हैं कितने गरीबों के बच्चे, अपने वो पढ़ते नहीं है, जो बच्चा तो कोई पढ़ जाता नौकरी क्या उड़ाते हैं, पैसे मांगते हैं, कहा लिया वो 10-10 लाख 15-15 लाख, अगर मेरे की लौटता भी कौन खाने का, कहा लिया गरीब आदमी 10-10 लाख 15-15 लाख, गरीब के नाम क्या? मर गया मोदी, मर गया खट्टर, मुर्दाबाद। काफी बड़ा सवाल है प्रशासन के सामने, गरीबों के लिए सरकार ने क्या किया? तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि कुछ सरकार ने नहीं किया, और हमारा भी सवाल है कि गरीबों के लिए क्या कुछ किया है? और वाल्मीकि बस्ती के जो लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि बस्ती को तोड़ा जा रहा है, इसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है, और प्रशासन बोलता है, अधिकारी बोलते हैं कि सेक्टर 16 के अंदर उनको घर दे दिए गए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि वो घर अभी तक नहीं बने, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन हर चीज के पैसे मांगता है, तो गरीब आदमी यहाँ कहाँ से वो पैसे लेकर आए? दिहाड़ी मजदूरी करता है, सीवरेज साफ करता है, सफाई का काम करता है, वो इतने पैसे कहाँ से जुटाए, जो किस्त दे या फिर अन्य वो काम वहाँ पर कराए? हर चीज के बताया जा रहा है, हर चीज के वहाँ पर पैसे देने पड़ रहे हैं। गरीबों को उजाड़ने वाला परमात्मा उजाड़ेगा उनको, परमात्मा ऐसी मौत देगा उनका, कीड़े पड़ मरेंगे, उजाड़ने वाले को कीड़े पड़ेंगे। रंडवे की सरकार है, रंडवी सरकार है। तो काफी ज्यादा गुस्सा है सरकार को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब एक सपना देखता है, पूरी जिंदगी के अंदर एक सपना वो संजोता है कि उसका एक अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, उनका परिवार उसके अंदर अच्छे से रहे, और 100 सालों का यहाँ पर एक पूरा परिवार बोल सकते हैं कि 100 सालों से यहाँ पर लोग घुल मिलकर रह रहे थे, लेकिन उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि घेर दिए गए हैं, ये देख सकते हैं कि पीला पंजा चला, तमाम घर यहाँ पर घेर दिए गए हैं, और सारी जो बस्ती है, कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? हजारों परिवार बताए जा रहे हैं, हजारों परिवार यहाँ पर रहते हैं, तमाम वोट हैं, सभी आईडी यहाँ की है, तो प्रशासन उस समय कहाँ सोया हुआ था? हम भी पूछना चाहते हैं, 100 सालों से जब यहाँ पर थे तो कहाँ सोया हुआ था? और ये भी कहना चाहेंगे कि गरीबों के लिए क्या कुछ सरकार ने किया, इनका कहना कि क्या कुछ सरकार ने किया, हम भी पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बोर्ड भी लगा हुआ है कि इसको तोड़ना गैर कानूनी है, लेकिन इसको तोड़ा जा रहा है, और हम आपको बता दें कि सेक्टर 16 में प्रशासन अधिकारी बोलते हैं कि सेक्टर 16 में 68 हैं जो घर बनकर तैयार है, लेकिन वो अभी तक नहीं बने, इनका कहना है कि वो बिल्कुल अभी खस्ता हालत में, उनका कुछ भी नहीं बना है, वो टेम्परेरी बने हैं, तो हर चीज़ के इनके द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाए? तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, अपने कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि प्रशासन किस रवैये किस पर चली हुई है, और क्या कुछ उनकी नीति है, और क्यों गरीबों को उजाड़ने पर प्रशासन तुला हुआ है, क्यों अधिकारी गरीबों को उजाड़ रहे, उनके आशियानों को उजाड़ रहे हैं, क्यों उनकी वर्षों की कमाई को मिट्टी में वो मिला रहे हैं? आपके भी घर तोड़े जा रहे हैं? जी हाँ जी। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमने बहुत साल हो गए भाई, 100 साल से ऊपर हो गए। 100 साल से? क्या कुंभकर्ण की नहीं सो रहे था प्रशासन उस समय? बस क्या कह सका अभी। आधार कार्ड कहाँ का आपका? यहीं का है। यहीं का? बच्चों का? यहीं का है। जन्म बच्चों का कहाँ का? यहीं का है। आप देख सकते हैं कि जन्म यहाँ पर है, आधार कार्ड यहाँ पर, वोटर कार्ड यहाँ पर, राशन कार्ड यहाँ पर, तो क्या रह गया? प्रशासन उस समय का, तो किसने काटा था एरिया, ये जो कॉलोनी है किसने काटी थी? ये तो जी ऐसे ही बसी हुई है कदी। अच्छा, की पुरानी, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी बसी। अच्छा, तो हुड्डा का क्या है यहाँ पे, क्या रोल है हुड्डा का? यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो बोर्ड लगा हुआ है हुड्डा का, वो क्या कुछ है? ये तो इन्हें अपने आप जान बूझ कर लगा रखा। अच्छा, जान बूझ कर लगा। हाँ जी हाँ जी हाँ। हम आपको बता दें कि उस बोर्ड के पास, उस बोर्ड के ऊपर जो वार्निंग लिखी है, वो ये वार्निंग लिखी है कि इस दीवार, जो आप देख सकते हैं कि काफी लंबी दीवार है, उसके ऊपर वार्निंग लिखी है कि यदि कोई भी इसको नुकसान पहुंचाता है, कोई भी इसको गिराता है, तो ये गैर कानूनी है, लेकिन इस समय कानून तोड़ता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय कानून तोड़ता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो वार्निंग है उनके द्वारा लगाई जाती है, जो हुड्डा का जो बोर्ड है लगाया जाता है कि इस दीवार को कोई भी टच नहीं करेगा, कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं कानून ही कानून तोड़ता नजर आ रहा है। तो इस समय जो लोग हैं उनसे भी हम, जो महिलाएं हैं उनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार जी, नमस्ते। यही रहते हो आप? हाँ, मेरे 65 साल की माँ होगी, मेरे पिताजी भी 20 साल पहले रहे थे यहीं पे। हाँ, यहाँ पे राशन कार्ड चार दिखाती हूँ, बोल कितने साल का दिखाऊँ।
हाँ, और ये क्या कर रहे हैं अब? तो काफी बड़ा सवाल है, क्या दिया मार को? मार को जंगा के बदला जंगा नहीं दी, पैसे ले लिए। बता रहे हैं कि 68 घर वहाँ पे बना दिए। तो 68 घर वो इन्होंने नहीं बनाए, वो हम खुद बना लग रहे। सच जो है वो यहाँ पर सुनाया जा रहा है, जो सच है, जो सच है वो यहाँ पर बताया जाएगा कि जो घर है वो कैसे बने हैं, सेक्टर 16 के अंदर जो घर है वो कैसे बने हैं, जो प्रशासन कहता है कि प्रशासन ने बनाए हैं, लेकिन क्या उसका सच है? अभी कुछ नहीं। अच्छा, किसी ने ना जंगा के बदला ना पैसे लेने लग रहे मारे से। अच्छा, आपसे पैसे ले रहे? हाँ, पैसे ले रहे, किस्ता ले रहे बेकायदा। और देखो जंगा के बदला जंगा नहीं, ये घर तोड़ेंगे, ये भी मुआवजा नहीं दे रहे, फिर हम कहाँ जाए बोल लो? अच्छा, इसका मुआवजा नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, वो कहना 2.5 लाख का दिन मिला, 2.5 लाख, 2.5 लाख लगे सिर में मारेंगे। वो तो प्रधानमंत्री दे रहा, उड़ा क्या दे रही मारे को? हाँ, जगह के बदला जगह तो दें दे। हाँ जी, जो किस्ते पर रखे उनके कागज पड़े मार पे। अच्छा, जो किस्ते पर रखे उसके कागज? हाँ, उनके कागज है। तो जो किस्त भरी है, किस्त भर के वहाँ पर जो सेक्टर 16 के अंदर जो बताया जा रहा है कि प्लाट प्रशासन दे रहा है, हम आपको बता दे कि उसके दे रहा, कोई मुख्य नहीं दे रहा, पैसे लिए जाते हैं। हाँ, कि तो पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद जो किस्तों में वो प्लाट खरीदते हैं, और उसके बाद कागज इनके पास, सब डॉक्यूमेंट इनके पास है, जो सेक्टर 16 के अंदर जो प्लाट काटे गए हैं। जी, हम आपको बता दे कि सेक्टर 16 के अंदर जो प्रशासन बताता है कि 68 घर बनकर पूरे तैयार हो गए, वैसे वो बन गए जी, बेटा भी तो किसी की लैटरिंग कर रही है, किसी के बाथरूम, किसी के रसोई, वो अभी कईयों के नहीं तैयार हुए, तैयार लग रहे हैं। कुछ नहीं लाइट नहीं, कुछ नहीं पैसे नहीं दे। हाँ जी, क्या कह रहे हो जी? कील काटने के भी 4 रुपया जी। कील काटने के वहाँ पे दुआल में कील भी काटने में 4 रुपया दे। हाँ जी, यदि कील भी काटने बड़ी बड़ी चीज जाके पैसे ले जी वहाँ। अच्छा, बता गरीब आदमी करेगा के? बच्चे आप कब से रह रहे थे यहाँ पे? बहुत साल तो रह रहे जी हम तो। अच्छा, बच्चे यहीं पे हुए थे? जी, बच्चे यहीं हुए, ब्याह दिए, ठा दिए, पोते पाते हैं, सब हो रहे हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर है। राम राम जी। राम राम जी। टक्कर कुछ मेर मारी तो हम तो मैं गरीब हूँ। यहीं पे रहते हो आप? हाँ, यहीं रहते हैं। आपका भी घर तोड़े जा रहा है? हाँ, नहीं बने नहीं मारे थे लोगों जी। अच्छा, बने नहीं? हाँ। तो यहाँ से निकालना जा रहा है आपको? हाँ, ये कह रहे भाई खाली करो। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरे तो 81-85 की। तो यहीं पे रह रहे हो तब से आप? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि काफी सालों से यहाँ पर रहते हैं, लगभग 100 साल। जी हाँ, लगभग 100 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और प्रशासन द्वारा जो बताया जाता है कि 68 घर बनाकर तैयार किए गए हैं। जी हाँ, सेक्टर 16, जी हाँ, सीएम सिटी का ही एक एरिया है सेक्टर 16, वहाँ पर 68 घर बनाकर तैयार किए गए हैं। और हम आपको बता दें कि जो वासी है, वाल्मीकि बस्ती वासी, उनके द्वारा बताया जाता है कि वो 68 घर कैसे बनते हैं, इनसे किस्तें ली जाती है तब जाकर वो घर बनते हैं, और जो खून पसीने की कमाई इन्होंने यहाँ पर लगा रही है, रखी है, उसका क्या मुआवजा मिला, उसका क्या कुछ हक इनको मिल रहा है? उनका जो घर था, उनकी वर्षों की कमाई थी, जो खून पसीने की कमाई थी, उसको प्रशासन एक झटके में अब मिट्टी में मिलाता नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम टीमें यहाँ पर खड़ी की जाती है, अधिकारी आ जाते हैं, प्रशासन आ जाते हैं, महिला पुलिस की टीम आ जाती है, सभी अधिकारी यहाँ पर आ जाते हैं, और पीले पंजे यहाँ पर धड़ाधड़ चलेंगे। ये आप देखते हैं कि इस समय चल भी रहे हैं और अब चलने भी वाले हैं, कुछ अंदर चल भी रहे हैं और कुछ अब चलने भी वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि टीम यहाँ पर काफ़ी, आप वाटर कैनल की गाड़ी भी वहाँ पर खड़ी है, कि यदि कोई अफरा तफरी का माहौल होता है तो उस समय वाटर कैनल की गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखोगे तो DTPRS भाट का जो पीला पंजा था वो चलता है, काफ़ी गरीबों के घर वो उजाड़ देता है, हार्ट अटैक भी आते हैं, रजिस्ट्रियाँ भी उनके पास होती है, जिसके बाद भी पीला पंजा उनके ऊपर चल जाता है। और इस समय यहाँ पर प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर पहुँचा है, प्रशासन द्वारा बताया जाता है कि इनके 68 घर यहां से तोड़े जाएंगे, और जो 68 घर हैं, जो 68 परिवार हैं, उनको सेक्टर 16 के अंदर प्लाट दिए जा चुके हैं। जी हां, सेक्टर 16 के अंदर उनको प्लाट दिए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के सामने भी सवाल है कि यदि उनको 68 परिवार हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, 90 सालों से वो यहाँ पर रह रहे थे, और बाकी के परिवार भी यहाँ से जाएंगे इस समय, जो पुलिस की टीम आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन इस समय आपको वाल्मीकि बस्ती के अंदर जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीला पंजा है यहाँ पर चलने वाला है। और इस समय हम आपको बता दें कि ये आप देखोगे कि वाटर कैनल की गाड़ी भी यहाँ पर है, और तमाम पुलिस फोर्स की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। और हम आपको बता दें कि DTPRS बैट का पीला पंजा सीएम सिटी में काफ़ी जगह चलता है, जिसके बाद लोग धरनों पर आते हैं, सड़कों पर आते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि इस समय प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर चलने वाला है, 68 घर यहाँ से तहस नहस किए जाएंगे, और 68 घरों को तोड़ने के बाद जो 68 परिवार है, हम आपको ये भी बता दें कि वो 68 परिवारों को सेक्टर 16 के अंदर घर दिए जा चुके हैं। इसमें कितना सच है, कितना झूठ है,
है वह भी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर जरूर करें। हम आपको फिर से बता दें कि हम बिना डरे, बिना बके, बिना थके, बिना झुके सच्चाई दिखाते और दिखाते रहेंगे, और इस समय जो सच्चाई है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो सेक्टर 16 के अंदर कितने घर बनकर तैयार हुए हैं वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन इस समय आप देखोगे कि यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वाल्मीकि बस्तीवासी घरों से बाहर आ चुके हैं और इस समय घर यहाँ पर गिराए जाएंगे, जो क्योंकि जो अधिकारी आप देख पा रहे हैं अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सामने आप देखोगे कि सामने पुलिस की टीम भारी संख्या में, जी हाँ पुलिस की टीम भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुकी है। महिला पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है, महिला पुलिस फोर्स की टीम भी यहाँ पर पहुँची है। और इस समय आप यहाँ पर देखोगे कि वाल्मीकि बस्तीवासी और पुलिस की टीम, जी हाँ वाल्मीकि बस्तीवासी प्रशासन और पुलिस की टीम आमने सामने समय आपको दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पर पीला पंजा चलने वाला है। वर्षों की कमाई थी, जो वर्षों की मेहनत थी, खून पसीने की कमाई थी, अब वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलती नजर आई है। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो पीला पंजा है वो चलने जा रहा है, अब ये जो घर है उनको गिराया जाएगा। तो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 68 घर अब यहाँ पर गिरने जा रहे हैं। ये पीला पंजा आप देख सकते हैं कि पीला पंजा यहाँ पर चल चुका है। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर जरूर कर दे, और जो लोग थे अब वो सेक्टर 12 के अंदर, सेक्टर 16 के अंदर उनको घर दिया गया। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर जरूर कर दे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर जरूर करें। इस समय आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरें आप सीएम सिटी करनाल से देख पा रहे हैं। ये वाल्मीकि बस्ती है जहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले से साथ के साथ इसे शेयर जरूर कर दे, क्योंकि जो 100 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं, क्योंकि 100 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि काफी बार इनको नोटिस दिया जाता है, और तमाम लोगों द्वारा जो वासी हैं यहाँ के उनके द्वारा बताया जाता है कि इनको नोटिस नहीं दिया जाता, और किसमें कितना सच है कितना झूठा है वो भी हम आपको जरूर दिया गया। और सेक्टर 16 के अंदर बताया जाता है कि 68 घर बनकर तैयार हैं, क्या वो 68 घर पूरी तरह से बनकर तैयार है वो भी तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले से शेयर जरूर करें। और इस समय यहाँ पर डीटीपी ये प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर चल रहा है, तो ये आप देख ही सकते हैं। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अब यहाँ पर पीला पंजा चल चुका है। जी हाँ, जो प्रशासन का पीला पंजा है वो अब यहाँ पर चल चुका है। ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर चल चुका है, और तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुका है। तो जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले से शेयर जरूर करें। ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें से, हम आपको सीएम सिटी करनाल से दिखा पा रहे हैं। और उसके बाद आप देखोगे कि पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर है, और महिला पुलिस प्रशासन की टीम भी है, वाल्मीकि बस्तीवासी है, और आप देखोगे कि अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कितना इसमें सच है कितना झूठा वो तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो सेक्टर 16 की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा है 68 घर, प्रशासन ने बताया कि 68 घर वहाँ पर बनकर तैयार हैं, और अब 68 घरों को यहाँ से गिराया जाएगा। क्या वो पूरी तरह से बनकर तैयार हैं, बड़ा सवाल प्रशासन के सामने है, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो इस समय पीला पंजा यहाँ पर चलने के लिए तैयार है, जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी हम बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि 68 परिवार बताया जा रहा है कि 68 परिवार यहाँ से अब जाएंगे, क्योंकि 68 घरों पर पीला पंजा चलेगा। ये आप देखोगे कि पीला पंजा अब यहाँ पर चलने के लिए तैयार है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि सीएम सिटी करनाल के अंदर काफ़ी बार पीला पंजा चलता है, काफ़ी जगहों पर पीला पंजा चलता है। और इस समय आप देखोगे कि 90 सालों से, जी 90 से 100 साल बताया जा रहा है कि 100 सालों से लोग यहाँ पर थे। तो अब यहाँ पर महिला पुलिस फोर्स की टीम अंदर घुस चुकी है, अब घरों को खाली कराया जा रहा है, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये आप देख ही सकते हैं कि तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये आप देख ही सकते हैं कि महिला पुलिस की टीम यहाँ पर है, और अब घरों को खाली कराया जाएगा। ये आप देख ही सकते हैं कि घरों को अब खाली कराने के लिए टीम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ के साथ इसे शेयर जरूर करें। ये आप देख ही सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं
अरे कवर करो यार, कवर करो उस चीज को। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ ही साथ इसे शेयर जरूर करें। तो इसमें कितना सच्चा कितना झूठा वो हम पानी का पानी दूध का दूध आपके सामने होगा वो जरूर करेंगे, क्योंकि सेक्टर 16 के अंदर जो सच है कितना सच है उसमें कितना झूठ है अधिकारी आप देख सकते हैं कि अधिकारी आपको दिखाई देंगे। पीला पंजा चलने जा रहा है, यहाँ पर लोग हैं काफी ज्यादा परेशान है और लाइव तस्वीरें प्रशासन की टीम यहाँ पर है, महिला प्रशासन की टीम है, महिला पुलिस फोर्स यहाँ पर है और तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले इसे शेयर जरूर करें।